एमएफएल कैसा दिखता है सर? ये कंपनी तो कह रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन है और ऊपर के मतलब भाव पे है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा अवॉइड कर लें। कंसोलिडेशन के एकदम ऊपरी रेंज पे, तो अगर ब्रेकआउट होगा तो आप जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्लोजिंग अगर 1035 या 1050 के ऊपर आए तो लें, स्टॉप लॉस लगाएं 3 से 4% का स्टॉप लॉस नीचे बाय क्लोजिंग बेसिस। अदरवाइज अगर करेक्ट होता है तो नीचे 850 के आसपास का ध्यान रखें, तो अवॉइड अभी जहां पे लेंगे तो हो सकता है कि वो काफी दिनों का हाइबरनेशन हो जाएगा, हाइबरनेट करने लगी चीजें, तो उसको अवॉइड के लिए मैं कहूंगा कि निचले स्तर पे आए। अदरवाइज ब्रेकआउट देखें, ब्रेकआउट अगर 1035 या 1050 के ऊपर होता है अलॉन्ग विद वॉल्यूम एक्सपेंशन तभी लें। ठीक है, तो दोनों तरफ कब किन लेवल्स पे कहाँ एंट्री करनी है वो दोनों तरीके से बता दिया है संतोष सर ने कि किन लेवल्स का इंतजार करना है।